बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू वेट मैम एक वन मोर एक करो ना हाँ इधर सामने देखिए एकदम सेंटर में रुकुल जी सेंटर में देखा थैंक यू हेलो हैप्पी बर्थडे रकुल जी बस बढ़िया आप कैसे हो रकुल जी थोड़ा सेंटर में आओ इधर ही आगे आ जाओ रकुल जी एकदम सामने रकुल जी यहाँ पे रकुल जी वेट सामने एकदम इधर देखो सेंटर में रकुल जी एकदम सामने रकुल जी बेटा रकुल जी वेट थोड़ा हम गाना गाएंगे नहीं नहीं हम गाना गाएंगे कौन सा गाना गाएंगे बार बार सिंग बार 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 अभिषेक अरे रोल करें रोल रोल थैंक यू बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक यू कल थैंक गॉड के माध्यम से आपने बताया कि वैसे तो सबको पता था कैसा रहा इस बार का जन्म बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही ग्रेटफुल क्योंकि काम करते हुए ये जन्मदिन निकला है और अगले साल बहुत सारी रिलीजेज़ हैं 6-7 फिल्में रेडी हैं सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड आई रियली होप दैट इट्स एज ब्यूटीफुल क्या आप थैंक गॉड नहीं बोलती हैं वो रोज़ बोलती हूँ मैं थैंक गॉड रोज़ बोलती हूँ आज एकदम बिल्कुल अलग दुनिया बदल चुकी है आज आपका जन्मदिन है और सब कुछ इतना खुल गया है हम लोग भी मौजूद हैं पहले इतना सब कुछ नहीं था लोग घरों में बंद थे जी ये कितना पॉजिटिव साइन है आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव साइन है पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मास्क फ्री हो सके अभी हम लोग जो देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं इसलिए मैं मास्क में नहीं हूँ बट हम लोगों को फिर भी सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं एंड वायरस को डिफीट करना है आयुष्मान खुराना जॉन इब्राहिम सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसका नाम लो उसके साथ आप फिल्म कर रहे हैं योर किटी इज़ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन एक्ट्रेस बढ़ जाती है एंड एक एंक्शियसनेस बढ़ जाती है बिकॉज अभी फिल्में रेडी हैं अभी लोग देखना शुरू करेंगे एंड फिर लोगों को पसंद आनी चाहिए एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बट राइट नाउ आई थिंक आई एम ओनली इन द फेज ऑफ बीइंग ग्रेटफुल कि मुझे इतनी सारी फिल्में करने का मौका मिल रहा है एंड आई होप कि ऐसी फिल्में आती रहें और मिलती रहें लास्ट सवाल जी हाउ इम्पॉर्टेंट मुंबई के थिएटर खुलने चाहिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली मुंबई नहीं कि लाइफ बैक टू नॉर्मल आनी चाहिए खाली थिएटर्स ही नहीं सब लोगों के काम बाकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी है बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्में रेडी हैं और उन सालों से वेट कर मतलब एक साल से ऊपर हो गया है जो बड़ी बड़ी फिल्में वेट कर रही हैं सो आई रियली होप चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ बहुत ही जल्दी एंड लोगों के जो लाइवलीहुड्स हैं वो वापस आ जाएँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू रुकुल जी आप यहाँ पे